सो गाइज, मुझे मजबूरन कोटपाड़ जाना पड़ रहा है। और ये सुरली वाला पुलिया, सुरली बोलते क्या बोलते नहीं पता, ये वाला पुल के पास थोड़ा आगे इतना कीचड़ है कि बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो जा रहा है गाइज। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, देख सकते हो कितना प्रॉब्लम हो रहा है जाने के लिए, रुकना पड़ रहा है। और कोई गिर गया तो समझो ऊपर ही चला गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं आज भी फिर से टहलने निकला हूँ। और गाइस, बारिश हो रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ही पहले आया था, छत्ता लेके घूम रहा हूँ गाइस। मतलब पहले बारिश हो रही थी इसलिए छत्ता खोला रहा, और अभी बारिश थोड़ी बंद हो गई इसलिए छत्ता बंद कर दिया। और गाइस, लगभग आधे घंटे से टहल रहा हूँ मैं, लगभग वही 4 किलोमीटर दूर तक जाके आ गया। टहलने के बाद तो मज़ा ही आ गया गाइज, एक्सरसाइज जैसा भी हो गया। और अभी हम जाने वाले हैं अपने घर की ओर, क्योंकि गाइज बारिश होने की शुरुआत हो रही है, और घर जाके तैयार वैयार होंगे तभी काम पर जा पाएंगे। सो गाइज, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। सो गाइज, आज की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, निकल चुका हूँ मैं अपने काम के लिए, तैयार वैयार हो गया, चाय पानी सब चीज़ हो गया। और मौसम देख सकते हो, मौसम इस तरीके का है, मतलब मौसम ढक चुका है, बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम ढका हुआ है, सूरज भी नहीं निकला है। आज की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइज, यहाँ का मौसम तो अभी का देख सकते हो, मस्त मौसम है, सुहाना सा, बादल ढक चुका है, बारिश होने की कगार पर है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, आगे जाके हो सकती है बारिश। मौसम मस्त है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, बादल ढक चुके हैं, और आप लीजिए आज के इस राइड का मज़ा। सो गाइज, मैं अभी आया हूँ गैरेज में, जो कि आपको दिख रहा होगा, और ये गैरेज गुरु नानक चौक के थोड़ा आगे जहाँ कोर्ट जाते उस रास्ते पर मिलेगा, राइट साइड पर। ये गैरेज पूरा बड़ी गाड़ियाँ बनाती है गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गुरु नानक चौक। यहाँ से आप लेफ्ट लेके थोड़ा सा आगे जाकर राइट लोगे तो आपको गैरेज मिल जाएगा। सो गाइज, अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। सो यहाँ नाश्ता बनवाने बोले हम लोग डोसा, जो कि बन रहा है हमारे लिए, जो आप देख सकते हो। फिर यहाँ से नाश्ता वास्ता कर लेते हैं गाइज, क्योंकि भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही है, सुबह सुबह भूख तो लगेगा गाइज, क्योंकि सुबह सुबह आए रहते हैं 7 बजे। और यहाँ का सीन तो आप देख सकते हो, रोड में कुछ इस तरीके का हमारा नाश्ता बन रहा है, अब खाते हैं फिर देखते हैं कैसा लगता है गाइज। सो गाइज, डोसा बन के तैयार है, अभी हम खा लेते हैं। सो गाइज, मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है कोटपाड़, क्योंकि जाने वाला कोई नहीं है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और बारिश का मौसम आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और मैं रेनकोट भी नहीं पकड़ा हूँ क्योंकि आरएस में जा रहा हूँ। सो गाइज, खुदा से मतलब भगवान से यही दुआ है कि बारिश ना हो गाइज, क्योंकि भीग गए तो जल्दी तबीयत ख़राब होता है मेरा, आप सभी को तो पता ही है। सो गाइज, मैं पहले अभी आड़ावल के अंदर जाऊँगा, मेरे दोस्त को पिकअप कर लूँगा, फिर आगे चलूँगा कोटपाड़ की ओर। सो गाइज, पहले उसको पिकअप कर लेता हूँ। सो गाइज़, मेरे दोस्त को पिक कर लिया, और अभी मैं नाका साइड से आड़ावल की ओर अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि बिलोरी वाला रोड से जा रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर रहता है विक्की मेरा दोस्त, जो कि आप देख चुके हो बहुत सारे वीडियो में। और गाइज़, हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। और गाइज़, ब्लॉग पर कंटिन्यू ज़रूर बने रहिए, मज़ा आएगा आज का ब्लॉग गाइज़ आप सभी को। गाइज़, रास्ते में जाते जाते और एक दोस्त मिल गया, जो कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, हम थोड़ा सा कमार गांव के आगे रुके हैं क्योंकि बादल भी ढक चुका है, और अभी हम निकलने वाले हैं, अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं गाइस, व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस, बस्तर का बॉर्डर पार कर चुके हैं, ये ओडिशा बॉर्डर के अंदर है, और ये सीन धनपुंज के आगे का सीन है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और गाइस, ऊपर बादल का सीन तो आप देख चुके होंगे, बार बार रास्ते से दिखाते आ रहा हूँ, मौसम बन गया है गाइस, कभी भी बारिश हो सकती है। और दूर दूर तक गाइस देख सकते हो खेत ही खेत है, लेफ्ट राइट दोनों साइड रोड पूरा खाली है, क्योंकि बारिश होने की कगार पर है तो लोग अपने अपने घर में ही है। सो गाइस, आज की इस जर्नी को फुल स्पीड में पहुँचते हैं हम। सो गाइस, मजबूरन आना पड़ा था हमें कोटपाड़, जो कि आप देख रहे हो, ये रोड बहुत ही बेकार रोड बन गया है अभी के लिए, जो पुल बन गया उसके लेफ्ट और राइट मतलब आगे पीछे दोनों साइड रोड पूरा ख़राब है गाइस, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और गाइस, जब भी आओ तो सेफली आओ और सेफली चले जाओ, क्योंकि रोड को आप देख ही सकते हो, एक बार बंदा गिर गया तो ऊपर चला जाएगा,
या फिर वाइट होके निकल जाएगा। इतना मिट्टी कीचड़ है ना, वाइट वाला कीचड़। गाड़ियां चल चल के वो मिट्टी की एकदम चिकनी मिट्टी टाइप का हो गया है, जो भी एक बार गिर गया तो वाइट होके निकल जाएगा। सो गाइस सेफली आए और सेफली चले जाए। सो गाइस कोटपाड़ पहुंच चुके हैं हम, और विक्की बोला थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, तो यहाँ रुके हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें बनी हुई है यहाँ पर, और मिलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए हम जगह चेंज करने वाले हैं गाइस। सो गाइस आंटी को मांग मांग के थक गए, वो कहीं और बिजी है, उसको बोल रहे हैं दो करके नहीं, वो कहीं और बिजी है। 15 से 20 मिनट वहीं खड़े रहे, मांग मांग के थक गए। और गाइस अभी थोड़ा यहाँ ढूंढ रहे होटल दूसरा, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। इधर थोक का कुछ कुछ सामान चल रहा है, मतलब टमाटर वमाटर गाड़ियाँ में आई है, वहीं से शिफ्ट हो रहा है, कहीं कहीं ले जा रहे शायद। और अभी हम तो दूसरा होटल देख रहे हैं, सामने तो दिख रहा है, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ क्या सीन है, कैसा है, बना है नहीं बना है, गर्म है नहीं है। सो गाइस पहले वहाँ चलते हैं देखते हैं। यहाँ का सीन तो कुछ ऐसा है, बन रहा है अभी, और गाइस नहीं लगभग है सभी चीज़ें। सो विक्की देख रहा है चना जो कि है कि नहीं करके, चना नहीं दिख रहा है यहाँ गाइस, लगता है यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस ढूंढ रहे हैं और वहाँ भी निकल गए, वहाँ से भी वहाँ चना नहीं मिला। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है अभी का, जो कि गाय बैल बांधने के लिए दामा वामा है। और आगे जा रहे हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे, अगर होटल नहीं मिलता है तो आगे आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या चीज़ मिलेगी। सो गाइस यहाँ है दतून, जो कि आपको दतून दिखा पीछे, जो गांव के लोग करते हैं, यहाँ बिकता है क्योंकि आसपास नहीं मिलता, जो कि आपको दिख रहा होगा गाइस। ये जगह पर आपको बदक मुर्गी ये सब मिल रहा है, जो कि अभी देवदामी का समय चल रहा है तो बदक वदक बिकता है, तो सभी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ मिलेगा आप सभी को। सो गाइस फाइनली एक होटल मिल गया जहाँ सभी चीज़ें हैं विक्की के पसंद का, चना वना भी है, और जो जो खाना चाहता था वो सब चीज़ें हैं, बना बनाया और लाया है। सो गाइस यहाँ खा लेते हैं फिर, और आगे इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा यहाँ का टेस्ट, और विक्की क्या खाता है नहीं खाता, क्या क्या चीज़ें खाता है। मिलते ही शुरू हो गया गाइस, विक्की को आप देख सकते हो खाने की तैयारी कर रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो विक्की कितना चाव से खा रहा है गाइस, थोड़ा भूख भी लगा होगा उसको, और वो शर्मा भी रहा है गाइस, देख सकते हो वो थोड़ा शर्मा रहा है। सो गाइस इस रोड में आप मुर्गी फार्म देख सकते हो, ये रोड बाजार की ओर इंटर करने से ही लेफ्ट साइड जाओगे तो मिल जाएगा आपको। सो गाइज़ हम कोटपाड़ से निकल चुके हैं, रास्ते पर रुके, कौन सा गांव है नहीं पता। और यहां का सीन कुछ ऐसा है, अभी रोड बादल मतलब बारिश होने की लाइन पर है अभी गाइज। अभी हम सुरली पहुंचने वाले हैं, और आपको ये सीन दिखाना मैं चाह, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा मस्त सुहाना सा। अभी खेत दोनों साइड है और हरापन आपको दिख रहा होगा दोनों साइड, मस्त लग रहा है गाइस, मस्त अच्छा लग रहा है, एकदम देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है लिटरली गाइस, अगर आप खुद भी होते तो बहुत ही ज़्यादा आनंद उठा पाते। सो गाइस जर्नी पर कंटिन्यू बने रहिए आप सभी। गाइस मैं जगदलपुर पहुंच गया हूँ, विक्की को छोड़ दिया था पहले ही, बारिश होना शुरू हो रहा है इसलिए मैं स्पीड स्पीड में इंटर कर रहा हूँ अपने शॉप की ओर। सो गाइस पहले चलते हैं वहाँ। सो गाइस अभी रात के 7:30 बज रहे हैं गाइस, और मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर। गाइस पहले चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि इतना दूर से बाइक चलाते आ रहा हूँ गाइस, मैं थोड़ा सा थक सा गया हूँ गाइस। ओ तेरी लाइट गोल हो गया गाइस, अभी अंधेरा हो गया, सो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। सो आप थोड़ा सा कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मैं पहले सबसे पहले घर पहुंच जाता हूं गाइस। तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, अभी का समय हो रहा है 8 बज रहा है गाइस, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी घर आ गया गाइस। सो गाइस खाना वाना तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा लंबा बन चुका है, उसको एडिट करना है गाइस, एडिट करने के बाद ही कुछ खाना वाना खा पाऊँगा। आप सभी तो देख चुके होंगे कोटपाड़ का क्या सीन था, और गाइस मजबूरन जाना पड़ा था कोटपाड़, बारिश भी होने का था लेकिन बारिश नहीं हुआ, ऊपर वाले की कृपा है गाइस, नहीं तो भीग जाते तो तबीयत ख़राब हो जाती। हल्की हल्की सी बारिश हुई लगभग ही, और गाइस ब्लॉग को पहले एडिट कर लेते हैं गाइस, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। आई होप गाइस कि आप सभी पूरा वीडियो देख चुके होंगे और मज़ा भी आया होगा, और गाइस वीडियो आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना गाइस। और गाइस वीडियो में कुछ गलती हुआ है तो छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना,
मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय हिंद, जय भारत। I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I'll be taking shots.